हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेडियस रेशियो के बाद, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने रेडियस रेशियो के बारे में बात किया था, यानी उसका एक पूरा एक चार्ट बनवाया था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिए थे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लिया था। लेकिन आपको पता है यार, जब तक हम किसी टॉपिक के ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम्स ना कर लें, न्यूमेरिकल्स ना कर लें, थोड़ा मजा सा नहीं आता। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज जो मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, इस प्रॉब्लम के बाद आपको रेडियस रेशियो से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई रिफ्रेशर उठा लो, कोई सी बुक उठा लो, कहीं से भी कुछ भी देखोगे तो आपको लगेगा सर आपने तो कमाल कर दिया, ये जितना आपने बताया है वो उतना काफी सफिशियंट था। यानी आज जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप, रेडियस रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल करने के बाद आपका रेडियस रेशियो एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान है। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, आज आपको रेडियस रेशियो के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। अब रेडियस रेशियो को बताने के लिए आपको पहले बात बता दूं कि पिछले लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप सर्च करो रेडियस रेशियो बाय रामसर पूजा एकेडमी, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अगर उस लेक्चर को देख लिया होगा तो आपको ये लेक्चर देखने में बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इस लेक्चर के अंदर। इसके लिए समझाने से पहले मैं एक फिर दोबारा से एक रेडियस रेशियो की टेबल बता दूंगा एज अ रेफरेंस, ताकि आपको याद रहे रेडियस रेशियो का रिलेशन कैसे चलता है, ठीक है। आगे हम लोग कहां पर, पूजा एकेडमी, मैं आपका राम सर और आप मेरी राम जी की सेना। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल कराने से पहले बच्चों, मैं आपको यहां पर एक बार फटाक से जल्दी से क्या बता देता हूं, एक चार्ट बनवा के देता हूं रेडियस रेशियो क्या है। तो क्या है भाई, एक तो मैं बता दे रहा हूं यहां पर कि रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो कितनी जानकारी यहां पर अभी जरूरत है वो देख लेना एक बार। क्या है कि अगर जीरो से लेकर 0.155 पर हो आप, इतना अगर रेडियस रेशियो चल रहा है, ठीक है, तो अगर इसका देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस वाले का, तो लीनियर वॉइड होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा आपका किसके अंदर। अगर मैं बोलूं कि वॉइड कौन सा आएगा तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये आएगा सर लीनियर वॉइड आएगा। अगर इसकी रेंज 0.155 से लेकर 0.225 तक जा रहे हो तो आपका ये 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों किसके अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगुलर वॉइड। फिर इसके अंदर आ जाते हैं 0.225 से लेकर 0.414, अगर इतना लेके चलते हो आप तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आएगा, जो कि होगा बच्चों क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। और अगर 0.414 से लेकर 0.732 तक चल रही है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और याद रहे टेट्राहेड्रल के बाद कौन सा आ जाता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। उसके बाद अगर आप देखते हो 0.732 से लेकर 1 तक जा सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का मतलब होता है यहां पर क्यूबिक वॉइड, कौन सा वॉइड, क्यूबिक वॉइड। तो यार ये अगर हमको चार्ट याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, और इस चार्ट को, इस टेबल को बनाने में मैंने आपकी पिछले क्लास में हेल्प करी थी, इसको प्रूफ करके बनवाया था। फिलहाल आपको ये याद करना चाहिए अगर इस लेक्चर को परस्यू करना है तो, ठीक है। इसमें कुछ खास बातें बता देता हूं कि जैसे कि अगर आप देखते हो लीनियर वॉइड तो किसी में मिल सकता है, जो किसी तरह के स्ट्रक्चर में लीनियर वॉइड पाया जाता है, इसलिए स्पेसिफिकली इसके लिए कोई एग्जांपल नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं ये किसी में मिल सकता है लीनियर वॉइड यार, है ना, तो इसके लिए कुछ बातें और ध्यान रख लेना कि ट्रायंगुलर वॉइड मिलता है आपको B2O3 के अंदर। टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर आप बात करते हैं, इसमें कि 4 हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है हमारा जिंक सल्फाइड, इसके ऑक्टाहेड्रल में आ जाता है NaCl, और जो आपका ये होता है इसमें सीजियम क्लोराइड। या कम से कम इसके एक एक एग्जाम्पल तो बच्चों ध्यान ही रख लेना, है ना, इसलिए बहुत जरूरी है समझना। समटाइम्स बच्चों इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना, NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट। इसीलिए यहां पर कई बार इस क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, हम NaCl बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, रॉक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना, मैं यहां पर टाइम दे रहा हूं आपको, अगर आप लेक्चर कर रहे हो तो इसकी टेबल की रेफरेंस चाहिए होगी बार बार, ठीक है, मुझे तो ध्यान रहेगा इसलिए मैं बार बार इसका सीधा सीधा इस्तेमाल कर लूंगा। तो याद रहे 0.155 से ले 0 से लेकर 0.155 तक कितना होगा, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 0.155 से लेकर 0.225 तक 3, यानी कि कोऑर्डिनेशन में 3 होगा इसका,
और 225 से लेकर 0.414 से लेकर 4 रहेगा और 0.414 से लेकर 0.732 तक 6 होगा और 0.732 से लेकर 1 तक कितना रहेगा 8 रहेगा, ये ध्यान रखना है इसके, ठीक है। अच्छा ये याद रहे कि अगर मैंने यहां पर 0.155 लिखा हुआ, यहां भी 0.155 लिखा है, तो 0.155 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए समटाइम्स अगर कोई इसको ऐसे लिख देता है, सपोज करो कि मान लो कि ये रेडियस रेशियो है हमारा और इसमें हम लोग छोटे हैं इससे या बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन आप 0.155 से छोटे ही रहोगे, इससे बड़े नहीं हो सकते, इसके बराबर भी नहीं हो सकते, है ना, इसके बराबर भी नहीं हो सकते। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि 0.155 इस वाली रेंज में नहीं आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। यानी कि अगर कोई इसको लिखना चाहे, है ना, इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकता है बच्चों, 0.155, मान लो रेडियस रेशियो को आर दिखा देता हूं आर से, और यहां पर आगे 0.225, तो क्या ये इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड है। ये वाला इंक्लूडेड है? नहीं है, तो लेस देन होगा, तो ये याद रहे। तो रेंज इस तरीके से लिखी गई है, तो जो यहां आखिरी वाला पॉइंट होता है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, दूसरे वाले में इंक्लूडेड होता है। तो इसीलिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए, अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। चलो आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, बहुत आसान लगेंगे प्रॉब्लम्स, मैं इसको बच्चों रब कर देता हूं ध्यान से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम्स बच्चों आपको वही पुराना तरीका जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, बढ़िया लगा था बच्चों को, बच्चों ने अप्रिशिएट किया, इसीलिए हम लोग उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, हम यहां पर क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं हाथ से करा रहा हूं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द रेडियस ऑफ एन ए पॉजिटिव आयन इज 95 पिकोमीटर। रेडियस दे रखा है एन ए पॉजिटिव, यानी कैटायन का दे रखा है। एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन इज 181 पिकोमीटर, और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन का भी दे रखा है। बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन। इसका हमको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालें? तो जरा देखो, पहली बात तो गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन देख लो बच्चों। तो आपको दे रखा है आर एन ए पॉजिटिव जो दे रखा है वो आपको 95 पिकोमीटर, और आर सी एल नेगेटिव आपको दे रखा है इन्होंने कितना, 181 पिकोमीटर। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना चाहिए, रेडियस रेशियो। तो अगर हम रेडियस रेशियो निकाल रहे हैं तो कैसा होता है, आर एन ए पॉजिटिव अपॉन में आर सी एल नेगेटिव, कैटायन ऊपर आना नीचे हो जाता है हमारे पास। तो अगर मुझे रेडियस रेशियो निकालना है तो ये कितने का हो गया बच्चों, 95 डिवाइड बाय 181 पिकोमीटर है यूनिट, तो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं बच्चों तो आता है 0.524, ठीक है, बिना यूनिट के आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो बताओ कि ये कौन से रेंज में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 0.524 लाइज इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ 0.4142 कहां तक, 0.732, इसके बीच में लाई करता है। हाँ सर देखो, ये 414 है, 524 है, तो 0.414 से 0.732 के बीच में कहीं लाई करेगा ये वाला। तो ये बताओ कि अगर ये इस रेंज में लाई करता है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, टेबल से चेक कर लेना, इस रेंज में आ रहा है तो इस रेंज के अंदर आ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो कितना आसान था, लेकिन इसके लिए क्या, आसान जब ही है जो आपको टेबल याद है, क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, कोई नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेबल याद रहेगी तो बात बन जाएगी। तो डिवाइड किया, डिवाइड करने से आपको मिल गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वेरी इजी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन किया मैंने यहां पर पहले वाले का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टाइम दे देता हूं आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखना है तो लिख लिया करो, ठीक है, 1, 2, 3 इसको रब कर दे रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं बच्चों क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन। अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं सेकंड वाले का। तो बच्चों क्या कहता है कि Br- आयन फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉलिड है तो क्लोज पैक्ड ही बनाएगा। इफ द रेडियस ऑफ Br- आयन इज 195 पिकोमीटर, जो गिवन होता है वो आप लिख लो पहले, रेडियस ऑफ Br- का दे रखा है 195 पिकोमीटर, ठीक है जी, ये दे रखा है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ केटायन दैट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कहता है कि बताओ कि रेडियस ऑफ आपको क्या निकालना है बच्चों, केटायन का निकालना है, केटायन कौन सा है नहीं बता रखा उन्होंने, और जिसकी वजह से क्या हो जाए, दैट कैन बी फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, कि टेट्राहेड्रल वॉइड में चले जाए।
तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाने के लिए बच्चों जो रेंज होती है वो क्या होती है बताओ मुझे आप, ठीक है, उसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो अगर मैं रेंज में आ जाता हूं तो बच्चों देखो जरा, रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना, तो याद करो यार, है ना, इसका होता है बच्चों, रेंज बता दूं अगर मैं, तो 0.225 से लेकर 0.414 ये होती है, ये इसकी रेंज है ना। अब इस रेंज के अंदर बोल रहा है कि जिसकी वजह से क्या फिट हो जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड में केटायन फिट हो जाए एकदम फंस जाए। तो देखो यहां से लेकर यहां तक जा सकता है, तो ये साइज बड़ा होने लगता है, केटायन बड़ा होने लगेगा, तो सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट वाला किस में आएगा, तो आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट केटायन रेशियो या केटायन रेडियस कितना आ सकता है, रेडियस दैट कैन बी फिट, है ना। आप जरा देखो कि सबसे छोटा, क्योंकि केटायन तो आपको वॉइड में ही जाएगा, तो सबसे छोटा तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमको पता है बच्चों कि आर बी आर माइनस अपॉन में ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, आर केटायन पॉजिटिव ऊपर रहेगा और आर बी आर माइनस इक्वल टू सबसे छोटे के लिए 0.225। तो अगर मुझे आर पॉजिटिव निकालना है तो कितना हो जाएगा, 0.225 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ बी आर माइनस, तो 0.225 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दे रखा था कितने का, 195, कितने पिकोमीटर में सब कुछ चल रहा है। तो बच्चों जब इसकी इंटू इंटू करेंगे आप, तो इंटू करके आ रहा है 43.875 पिकोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली इसको 43. आप देख सकते हो कितना, ये 7 है तो ये 8 लिख सकते हो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, या 44 भी लिख सकते हो, ठीक है, पिकोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के अंदर देखोगे तो एक बात और पूछी गई है, इसी क्वेश्चन में एक बात और अटैच कर दिया गया, कैन केटायन हैविंग रेडियस 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, कि ऐसा हो सकता है कि ये जो जो भी हमारा केटायन आ रहा है क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाके फिट हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ऑक्टाहेड्रल में फिट हो सकता है क्या। तो ऑक्टाहेड्रल में फिट करने के लिए पहले मुझे रेडियस रेशियो निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, रेडियस रेशियो, क्योंकि अगर मैं रेडियस रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ जाएगा, रेंज समझ में आ जाएगा, देखूंगा भाई उसका अगर उस रेंज में आ रहा होगा तो हो सकता है वरना नहीं हो सकता। तो जरा देखो रेडियस रेशियो में क्या हो गया, आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर बी आर माइनस, अभी अभी R पॉजिटिव निकाल ही लिया हम लोगों ने, है कि नहीं, R पॉजिटिव हमारे पास रेडियस रेशियो दे रखा है उन्होंने 82 पिकोमीटर दे रखा है उन्होंने, तो हमको कितने का बोला था 82 का, और नीचे हमारे पास कितने का हो गया 195 का, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको जो आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों, डिवाइड करने पर आ रहा है आपका 0.4205, ठीक है, इतना आ रहा है। आप मुझे बताओ ये कौन सी रेंज में लाई करता है, ठीक है, तो ये कहता है किस में लाई करता है, तो इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.4142 0.732, इसमें लाई करता है क्या, जरा देखो, हाँ सर इसी में लाई करता है, तो अगर इसी में लाई करता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे से रब कर देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा साइड में बच्चों, है ना, इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब जरा बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान से बताओ जरा बच्चों कि यार ये जो लिखा इट लाइज इन द रेंज ऑफ दिस, क्या ये इस रेंज में करता, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज पॉसिबल, सो क्या 82 जो पिकोमीटर जो आपका केटायन होगा, केटायन कैन बी फिट इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसीलिए वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट हो सकता है। तो कितना आसान है, सिंपल जो रेडियस दे रखा है उसके डिवाइड करते चले जाओ और रेंज, यानी यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आपको डिफिकल्ट नहीं, बट अगर आपको रेडियस रेशियो की चार्ट दिमाग में याद रहेगी तो बहुत आसान लगेगा। आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखो, आप कोई से भी आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट के लिए, चाहे जेई मेन के लिए, जेई मेन में तो और नीट में तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वाले सारे, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बट ये मेमोरी बेस्ड पे माना जाएगा। क्यों मेमोरी बेस्ड पे, ये कि वो चार्ट याद रहे, दिमाग में चार्ट याद रहेगी तो आराम से काम चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो दिस इज वेरी इजी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड पर, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आप इसको पढ़ के कर रहे होगे तो बहुत आसान लगता है ना, पहली बार तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, अगर ध्यान से देखोगे तो आसान लग रहा होगा, कोई मुश्किल है नहीं वैसे।
अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि अ सॉलिड ए बी हैज एनएसीएल स्ट्रक्चर। अब तुम सोचो इसने एनएसीएल क्यों बोला होगा, एनएसीएल स्ट्रक्चर क्यों बोल दिया? तो यार एनएसीएल स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी मुझे रेडियस रेशियो की रेंज मालूम चल जाएगी। तो ये बॉडी हेल्प कर रहा है मेरी एनएसीएल बोल के। तो यार देखो कैसे बोलता है कि अ सॉलिड ए बी हैज एनएसीएल स्ट्रक्चर, है ना, क्या कह रहा है, सॉलिड ए बी जो कह सकते हो आप इक्विवेलेंट है एनएसीएल स्ट्रक्चर के। भाई एनएसीएल स्ट्रक्चर के बारे में मुझे ये पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, और रेडियस रेशियो क्या होता है इसका, अगर रेडियस रेशियो बोलू तो कितना होता है, तो रेडियस रेशियो की रेंज होती है ना, तो यहां पर लिख देता हूं साइड में रेंज, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, है ना। अगर रेंज ऑफ रेडियस रेशियो देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के लिए तो 0.414 से लेकर कहां तक होता है, 0.732 तक का रेंज होता है। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे ये एनएसीएल बोलते ही, एनएसीएल अगर बोलता है कि ए बी एनएसीएल जैसा है तो ये सब मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए और आ भी गया। तो क्या बोल रहा है कि आगे बोलता है कि इफ रेडियस ऑफ केटाइन ए इज 100 picometer, ओके, रेडियस ऑफ केटाइन यानी ए पॉजिटिव जो है हमारा कितने का है, 100 picometer का है, तो मुझसे क्या बोलता है, रेडियस ऑफ एनायन बता दो, यानी रेडियस ऑफ बी माइनस बता दो। तो क्या करें बच्चों बताओ जरा, तो आसान काम है, तो हम लोग आ जाते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है, क्या होता है बच्चों, आर बी आर ए पॉजिटिव अपॉन में आर बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपको आर बी नेगेटिव निकालना है। अब रेडियस रेशियो, भाई रेडियस रेशियो की तो रेंज दे रखी है इन लोगों ने, तो अगर मुझे स्मॉलेस्ट वाला निकालना है या लार्जेस्ट वाला निकालना है वो डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मान लो कि मुझे रेडियस ऑफ बी माइनस चाहिए, बी माइनस, और यहां आर पॉजिटिव दे रखा है मेरे को यहां पर, और ए पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, रेडियस रेशियो, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर ए पॉजिटिव लेके चल रहे हो, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव कितना था हमारे पास, तो 100 था, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस रेशियो। अगर मैं ये ले लेता हूं यानी कि 0.414 लेता हूं, क्या ले रहा हूं, 0.414, तो इन दोनों में छोटा ये है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस जो बड़ा सबसे मैक्सिमम रेडियस हो सकता है वो आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस। तो बच्चों अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो आ रहा है करीब कितना बच्चों, 241.5 picometer, पर ये याद रहे कि ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट रेडियस, लार्जेस्ट रेडियस, क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो सबसे बड़ा ही आ सकता है, ओके। अगर मुझे आर बी माइनस निकालना है तो यार ये रेडियस ए पॉजिटिव अपॉन में ये अपना रेडियस रेशियो, तो यार कोई 100 को डिवाइड भी इससे भी तो कर सकता था, 0.732 से इससे भी कर सकते हो, तो इससे जो आंसर आएगा वो आ रहा है बच्चों कितना का, 136.6 picometer, बट इससे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते तो इससे कम ही रहना चाहिए, तो इससे छोटा रहेगा रेडियस बी माइनस का, या तो इससे छोटा रहेगा, ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैक्सिमम इतना जा सकता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चले जाओगे इतना जा सकता है, तो यार ये रेडियस निकल कर आ गया। तो आर बी माइनस के दो पॉसिबल आंसर हो सकते थे, ये भी हो सकता था ये भी, लेकिन इससे थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है भाई। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है, तो ये आ गया रेडियस की, कितना हमको पता था। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एनएसीएल से हेल्प मिली मेरे को, अगर एनएसीएल के बारे में जानकारी नहीं पता होती तो दिक्कत हो सकती थी, तो आसान था, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, सॉल्यूशन नंबर 4th पर आ जाते हैं। कहता है कि ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। बोला KCl क्रिस्टलाइजेस इन द सेम टाइप लैटिस ऑफ NaCl, NaCl के जैसे में KCl एग्जिस्ट करता है जैसा बोल रहा है, गिवन दैट, ये क्या दे रखा है वो देख लो आप, इंपॉर्टेंट चीज, गिवन, गिवन दैट, क्या गिवन दिया भाई साहब इन्होंने हमको, तो ये RNA पॉजिटिव, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दे रखा है हमको कितना, RCl नेगेटिव इक्वल टू 0. ठीक है 55 ये दे रखा है, क्योंकि NaCl का ये रेशियो दे रखा है रेडियस रेशियो। और एक और चीज दे रखा है क्या, RK पॉजिटिव अपॉन में RCl नेगेटिव, CL नेगेटिव इक्वल टू दे रखा है 0.74।
रेडियस रेशियो, जैसे उन्होंने खुद बोल रखा है कि भाई सोडियम का जैसा है वैसा किसका है हमारे पास, सिम टू सिम KCl का, दोनों का रेडियस रेशियो दे रखा है। तो एक रेडियस रेशियो सोडियम का हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का ये दे रखा है और पोटेशियम क्लोराइड का ये वाला दे रखा है एज पर क्वेश्चन। बोल रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ यूनिट सेल्स, है ना, KCl वगैरह के। तो इनका साइड्स ऑफ यूनिट सेल निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ जरा देखो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ समझो, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया है और साइड्स निकालने, साइड का मतलब समझते हो, अगर मान लो कोई क्यूबिक में है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई चीज क्यूबिक में है तो ये वाली यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल के दिखाओ, है ना, साइड्स ऑफ क्यूबिक लैटिस, ये निकाल के दिखाना है मेरे को, ये कहना चाहता है वो, समझ रहे हो। तो और कोई बात नहीं कि साइड क्या है, मतलब रेडियस दे रखा है तो साइड पूछ रहा है वो, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कैसे निकाले हम लोग। तो समझो, तो ये RNA पॉजिटिव अपॉन में RCl नेगेटिव, इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया, क्या मैथमेटिक्स बुरा मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं, जो तुमने इधर ऐड किया उधर ही तुमने ऐड कर दिया। तो यहां से इसका एलसीएम ले लो तो कितना जाएगा, RNA पॉजिटिव प्लस का RCl नेगेटिव डिवाइड बाय कितना, RCl नेगेटिव इक्वल टू 1.55, ठीक इस तरफ आ गया, इसे ना इसको रब कर देते हैं, ये तो अभी समझाने के लिए था। यहां पर आ जाते हैं तो क्या आर के पॉजिटिव अपॉन में आर सी एल माइनस, इधर भी एक ऐड कर लो 0.74, इधर भी एक ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा आर के पॉजिटिव आर सी एल नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर सी एल नेगेटिव इक्वल टू 1.74 आ गया, सही है। तो यार एक तो ये चीज आ गई जिसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेबल कर लेता हूं, एक दूसरी चीज ये आ गई जिसको मैं इक्वेशन सेकेंड लेबल कर लेता हूं। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा आर सी एल वाला, तो क्या आ जाएगा आर एन ए पॉजिटिव प्लस आर सी एल नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर के पॉजिटिव प्लस का आर सी एल नेगेटिव, यानी कि कितना 1.55 डिवाइड बाय 1.74, ठीक है जी। अगर हम लोग क्या करते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना, इस वैल्यूज को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको प्रॉपरली मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आर के पॉजिटिव प्लस आर सी एल नेगेटिव अपॉन में आर एन ए पॉजिटिव प्लस का आर सी एल नेगेटिव 1.74 डिवाइडेड बाय 1.55, ठीक है। मैंने ऐसा किया लार्ज वैल्यू को ऊपर करके, डिवाइड करने में इजी रहेगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, आर के पॉजिटिव आर सी एल नेगेटिव, तो ये एज लेंथ ही तो है, एज है ये, है ना, ये क्या चीज हमारे लिए एज है। तो ये एज किसका है, KCl का, ये एज किसका है, NaCl का, और इसको डिवाइड करोगे तो 1.122 समथिंग जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए आंसर है रेडियस, यानी क्वेश्चन हमको रेडियस का दे रखा था और उन दोनों के एज का, उन दोनों के एजेस का रेशियो पूछ लिया। तो जैसे मान लो कि क्यूबिक में होता है ये, ऐसे क्यूबिक में होता है हमारे पास ऐसे करके, ये क्यूबिक में स्ट्रक्चर है, तो K पॉजिटिव CL नेगेटिव, मान लो यहाँ K पॉजिटिव यहाँ CL नेगेटिव, तो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वही निकाला गया इसके अंदर। तो इसीलिए दोनों को मिलाने के बाद दोनों का एज आ गया है और इनके एजेस को रेशियो निकाल लिया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया होगा आई थिंक आपसे, बहुत ईजी क्वेश्चन था फोर्थ, लेकिन आया हुआ था ये अपने क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है बच्चों, अपने बोर्ड में आ गया तो बहुत ईजी है, बोर्ड में तो बहुत सिंपल सिंपल रेडियस, एक रेडियस दे देते हैं दूसरे रेडियस पूछ लेते हैं, बहुत आसान है। फिफ्थ वाला देखो, ठीक है ना, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पहले से ही ऑलरेडी आपको एक डायग्राम बना के दिया गया है। बोलता है कि अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आयन अराउंड ए पॉजिटिव आयन इन द सॉलिड ए एक्स इज गिवन इन द फिगर। If the radius of x minus is 250 picometer, the radius of A positive is, आसान जरा कैसे, डायग्राम ऐसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो बना के दिखा दे रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, डायग्राम आ रहा होगा, है ना, डायग्राम को देखो जरा एक बार, इसको देखकर कई बच्चे पहचान गए होंगे। भाई देखो, तीन एटम ऊपर और तीन एटम नीचे, इन एटम्स को हमने x बोला है और ये बीच में जो खाली जगह है जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर हमने क्या रख दिया है, ए पॉजिटिव यानी केटायन रख दिया है। तो यानी कि ए पॉजिटिव कहां पर है, लोकेटेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक्स कौन है बच्चों, ये एटम्स है, नेगेटिव कह लो, नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या है, ये एटम है।
अच्छा इसका रेडियस वगैरह भी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है मेरे से, ये पूछ रहा है कि अगर इन्होंने x माइनस का रेडियस दे दिया, यानी इसका रेडियस दे दिया, बड़े बड़े एटम्स का रेडियस दे दिया, तो छोटे का यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस पूछ रहा है। तो यार एक बार बताओ, इसको देखते मुझे समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो रेंज क्या होगी बता दो। रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, ठीक है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, रेडियस रेशियो की रेंज तो याद होगा 0.414 से लेकर 0.732 तक की रेंज होती है। तो स्मॉलेस्ट पे निकाल लो, सबसे छोटा निकाल लो। तो सबसे छोटा कैसे निकाल सकता हूं जरा देखो आप। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव अपॉन में रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.414। मिनिमम ले लिया डायग्राम देखकर, इस डायग्राम से पहचानना सिखा रहा है हमको कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम पहचानते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, आपको x माइनस का दिया हुआ है इन्होंने, तो आर ए पॉजिटिव इक्वल टू 0.414 इंटू आर एक्स माइनस, 0.414 मल्टीप्लाई बाय, है ना, मल्टीप्लाई बाय किससे, आर एक्स माइनस, रेडियस ऑफ x माइनस कितने का दिया बच्चों, 250 का पिको मीटर में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसके इंटू कर देता हूं तो इंटू करके आ रहा है 104 पिको मीटर। तो आसान है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको रेंज पता होना चाहिए और आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कौन सा वॉइड क्रिएट हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल। तो वेरी नाइस, वेरी इजी, है ना, आप बहुत अच्छे से सवाल कर रहे हो, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये था अपना सोल्यूशन नंबर क्या बच्चों, 5th। अब आ जाते हैं 6th पर, सोल्यूशन 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। If the radius of Br minus ion is 0.182 nanometer, यानी radius of Br minus दे रखा है बच्चों, कितने का दे रखा है मेरे को, 0.182 picometer, यानी anion का radius दिया हुआ है, anion का। How large a cation can fit into the tetrahedral void? कि tetrahedral void के अंदर कितना, मतलब कि बड़े से बड़े radius आ सकता है। तो ओके जी, बता देते हैं हम आपको कैसे आ सकता है, कि कितना बड़ा रेडियस इसके अंदर आ सकता है। तो कैसे करें इसके लिए बच्चों, तो ये देखो जरा, ये बताओ कि रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो सर ये होता है आपका 0.225 से लेकर 0.414, ये आपकी क्या होती है बच्चों, रेंज होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की। लार्जेस्ट पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और भी क्या चीज, कि कितना बड़ा केटायन आ सकता है। तो चलो जी देखो जी, रेडियस ऑफ रेशियो क्या होगा बच्चों, तो रेडियस रेशियो हमारा आर जो भी पॉजिटिव केटायन का होगा, और ये आर बी आर माइनस हो गया, ठीक। तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आपको बी आर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप किसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल, आर पॉजिटिव, अब रेडियस रेशियो इंटू में आर बी आर माइनस, और लार्जेस्ट चाहिए तो ये रखोगे कि ये रखोगे, तो इनटू कर रहे हो तो सर ये रखेंगे तभी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी कि हमारा रेडियस रेशियो लेना चाहिए 0.414 इनटू में ये आपको दे रखा है 0.182 पिकोमीटर। बच्चों इसकी इनटू कर देते हैं हम लोग, तो इनटू करीब आ रहा है 7.5 इनटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, पिकोमीटर। तो यार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी था, इसके लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि कब मैक्सिमम लेंगे कब मिनिमम लेंगे। तो रेडियस मैक्सिमम चाहिए था तो ये लेना पड़ेगा, और मिनिमम चाहिए होता तो ये, सबसे छोटे के लिए ये, मैक्सिमम के लिए ये। तो इससे तुम क्या हो सकते हो, इससे थोड़ा कम ही रहोगे, लेकिन लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 6, है ना, क्या इजी है, बड़ा इजी है ना, एकदम आसान है। पिछले लेक्चर को देख के लग रहा होगा सर इतना आसान आता है पेपर में, हाँ इतना आसान आता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसके लिए क्या है, एक बार आंख बंद करो और आंख बंद करके पूरी टेबल याद कर डालो। अगर वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मेरे को लगता है 2 मिनट लगते हैं बच्चों को याद करने में, और उसके बाद तो क्वेश्चन देखो धड़क धड़क हो रहे हैं, है ना, आराम से होते चले आ रहे हैं। तो ये था सोल्यूशन नंबर 6, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है, सोल्यूशन नंबर 7th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है 7th वाले में कि मेंशन द केस इन विच आर पॉजिटिव मे बी इक्वल्स टू आर नेगेटिव। ये बोल रहा है कि दोनों का केटायन का और एनायन का साइज लगभग बराबर हो जाए, ऐसा कौन सा केस है। सर एक ही केस है,
कौन सा केस है सर, बताता हूं बच्चों, रेंज बताना जरा, रेंज ऑफ अगर मैं रेडियस रेशियो ले रहा हूं जो कि 0.732 से लेकर 1 तक चलता है, तो ये किस में होता है बच्चों? तो याद करो यार, ये होता है क्यूबिकल वॉइड में होता है। किस में होता है? क्यूबिकल वॉइड में। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं करना चाहूंगा तो आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव, अगर ये इसके बराबर हो जाए, हालांकि इससे कम ही रहेगा, पर फिर भी इन केस कभी बराबर हो जाए इस चीज के, इसके बराबर हो जाए, तो क्या आर पॉजिटिव बराबर आ जाएगा बच्चों आर नेगेटिव? हाँ, एक ही इकलौता केस है ऐसा जहां पर क्या हो सकता है कि केटायन का और एनायन का रेडियस लगभग क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, बराबर लगभग बराबर हो सकता है ना, तो क्योंकि इससे थोड़ा सा कम ही रहोगे, 0.99 रहता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट लेके चले जाते हैं। तो रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन किस में बड़ा हो सकता है बच्चों? जब वो कौन से वॉइड में फिट हो जाए, क्यूबिकल वॉइड में फिट हो जाए। अब क्यूबिकल वॉइड कैसा होता है याद करो, वॉइड की कहानी जब मैंने टाइप्स ऑफ वॉइड पढ़ाया था आपको, अगर आपने टाइप्स ऑफ वर्ड नहीं पढ़ा तो जाके सर्च करो टाइप्स ऑफ वॉइड्स बाय राम सर ऑन पूजा एकेडमी, आपको दिखाई मिल जाएगा, आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लेक्चर सुन हुआ है, उसको देखना। तो इसी को कहते हैं हम लोग चेक क्या चीज बच्चों, क्यूबिकल वर्ड कहते हैं। तो मैं देखिए रहेगा, अगर किसी क्यूब के बीच में फंसेगा कोई एटम, तो फुल एटम किसी से शेयर तो होता नहीं है, अनशेयर्ड रहता है, तो पूरा साइज आ सकता है, वो भी किसके बराबर का, इस एटम के साइज के बराबर का। तो इकलौता केस ऐसा है जिसमें रेडियस ऑफ केटायन रेडियस ऑफ एनायन के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली। तो ये था सेवन थ्योरेटिकल है बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। कई बार पेपर में सीधा सीधा लिखा हुआ जाता है कि ये में आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव मे बी इक्वल्स टू ईच अदर इन विच केसेस, है ना, ऑप्शन दे देंगे आपको, तो इतनी छोटी छोटी लाइनें, इतनी गहरी गहरी लाइनें पूछ लेते हैं, तो इसलिए हर छोटी लाइन को हम लोग डी कोड करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये था आपका सेवेंथ। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन है बच्चों कि ये दे रखा है इन्होंने, जरा देखना एक बार, कि गिवन आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव इक्वल टू 0.155 एंड आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव इक्वल टू 0.166 बोलता है क्या कि मेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप्स ऑफ वॉइड पूछ रहा है और तीसरा पूछ रहा है कि विच इज मोर स्टेबल। ये तीन चीजें पूछा है इस क्वेश्चन में, समझो यहां पर कैसे करें। तो रेंज अगर मैं बोलता हूं यहां पर, रेंज ऑफ बच्चों रेडियस रेशियो की बात चल रही है, तो यार मेरे को तो इसको देख के लग रहा है कि ये लाई कर रहा है 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में, ये देखो आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच में जा रहा है, तो इसके बीच में जाने से अब तुम मुझे सवालों के जवाब दो। पहला जवाब, मेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके इसके बीच में क्या होता है, 3 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। टेबल देख लो, टेबल देखो, है ना, टाइप्स ऑफ वॉइड 3 है, तो क्या आएगा बच्चों, जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, नंबर 3। और कहता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा इनमें से, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव है 0.155 और आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव है 0.166। तो क्या कहते हो, किसमें रेडियस रेशियो ज्यादा है, तो इसमें रेडियस रेशियो ज्यादा है, तो ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल, ठीक है। तो रेडियस रेशियो बड़ा होने का मतलब होता है केटाइन बड़ा हो जाता है, रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है, केटाइन बड़ा। देखो यहां पर बताता हूं कि अगर रेडियस रेशियो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब साइज ऑफ केटाइन भी ज्यादा होगा, है तो ट्राइंगुलर वॉइड। तो जरा देखो, एक केस ये बनाया मैंने और एक केस ये बनाया मैंने, ठीक है, दोनों के दोनों ट्राइंगुलर वॉइड ही है, दोनों के दोनों कौन से वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड ही है, तो बता सकता है कि ये कौन सा कहलाएगा और ये कौन सा कहलाएगा। तो रेडियस रेशियो में छोटा आ रहा है ना, तो ये होगा 0.155 वाला, और ये इसमें क्या आ रहा होगा, 0.166 आ रहा है, क्योंकि केटाइन बड़ा है, केटाइन बड़ा है, और केटाइन बड़ा हो गया तो क्या नेगेटिव चार्ज दूर हो गए, तो ज्यादा स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल। और ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि इसमें ना नेगेटिव चार्ज के टच में आ गया, तो इसीलिए रेडियस रेशियो बढ़ने से केटाइन का साइज बढ़ा, केटाइन का साइज बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसका ये वैल्यू ज्यादा आ रहा होता है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए था और पता भी होगा, है कि नहीं, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो थंब भेजते रहना, ऐसा वाला थंब ऐसा ऐसा करके भेजते रहते ना, वो भेजते रहना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, वेरी इजी, ये था 8th।
अब हम आ जाते हैं किस पर, नाइन्थ प्रॉब्लम पर आते हैं, है ना। सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है, नाइन्थ प्रॉब्लम पर आओ पहले, है ना, नाइन्थ पर आ जाते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम पर अगर हम आ जाते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जरा नाइन्थ वाला देखो क्या कहता है। बहुत आसान सा दे दिया ये तो क्वेश्चन सा, है ना। क्या बोलता है ये कि इफ हमको दे रखा है कि गिवन दे रखा है कि आर पॉजिटिव कितने का है 200 पिकोमीटर और आर नेगेटिव कितने का है 600 पिकोमीटर। बोलता है कि व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर, यार ये बताना कोई मुश्किल काम है क्या भाई, मैं इसको सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में, चलो कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ, लाइव चैट में इसका रिस्पॉन्स दूंगा सही किया कि तुमने गलत किया, इतना ईजी था, है ना। मुझे नहीं लगता यही मेरे प्यारे बच्चे खुद ही कर डालेंगे, कमेंट में आंसर दो, मैं लाइव चैट में बता रहा हूं कि आंसर आपका सही आया गलत आया, ये तुम्हारे लिए करके दिखाओ। सॉल्यूशन नंबर 10 है ना, इसको पहले मैं रब कर देता हूं, है ना, इसको रब कर देता हूं, देखो रब 1 2 3, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, टेंथ प्रॉब्लम पर आते हैं, टेंथ प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन जो है आपका टेंथ का करा रहा हूं। आखिरी प्रॉब्लम ये बोलता है कि बताओ, आपको ना डायग्राम बना के दिया गया है ऐसा करके डायग्राम, ठीक है, एक ये दे रखा है और एक थोड़ा बड़ा है ऐसे करके 1 2 3 और ऐसे करके 4 दिया, ऐसे 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 ऐसे। बोलता है क्वेश्चन इतना आसान कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बताना जरा, इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, और बताओ जरा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये भी तुम कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। दूसरा क्या बोलते हैं कि किसका रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, विच हैज ग्रेटर रेडियस रेशियो, किसका ज्यादा होगा, है ना। अब मुझे बताओगे तुम खुद ही इसका भी आंसर, 9th 10th मुझे लगता है एकदम सिंपल से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दो, मैं लाइव चैट में आपको रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो आज इस क्लास के अंदर आपने जो ये सीख रहे हो, तो ये रेडियस रेशियो के बारे में सिखाया था और उसके ऊपर ये प्रॉब्लम, मेरा आपको गारंटी है कि इसके बाद आपको रेडियस रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सारे क्वेश्चन एकदम ईजी से कर लोगे, पूरे के पूरे छानबीन कर लोगे, तब भी आपको इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक आपको आई थिंक आ गया होगा, है ना। आप पढ़ाई करते रहना ध्यान से और इन सब चीजों को लेकर तरह, नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो और अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, नए लेक्चर को बढ़ाएंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था तो इसमें क्या होमवर्क देता, इसीलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करोगे, उसका नाम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट में, और जो बच्चे अच्छे से और जल्दी से जवाब देंगे उन बच्चों की फोटो भी लगाएंगे हम उन बच्चों की फोटो को भी डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, और क्लैपिंग तो हम करेंगे, अप्रिसिएशन है बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो उसको पढ़ाई करते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।